नमस्ते दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ भिंडी मसाला रेसिपी। इस भिंडी की सब्जी को बनाना बहुत ईजी और ये बहुत ही चटपटा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। अगर आपको ये भिंडी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी बनाने के लिए भिंडी को हमें इस तरह से कट करना है। भिंडी को मैंने धो के अच्छे से सुखा के इस तरह से एक भिंडी को आधा करके इस तरह से मैंने बीच से कट लगाया है। और अब मैं यहाँ पे कढ़ाई ले रही हूँ और गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ाया और इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम भिंडी को इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी और 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से। इसे हम कवर कर देते हैं और 1 से 2 मिनट पकने देंगे ताकि भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने कवर हटा लिया और देखिए फ्रेंड्स, भिंडी थोड़ा सा भुन चुका है, सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम फिर से तेल ऐड करेंगे। तेल यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को हम थोड़ा सा भुनने देते हैं। जीरा जैसे ही भुन जाएगा हम इसमें 1 प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। 1 बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था और प्याज को हम अच्छे से ब्राउन होने तक भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 1 बड़ा साइज के टमाटर को ग्राइंडर में पीस लिया है और टमाटर को भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से भून चुका है, इसका पानी जो है सूख चुका है। तो हम इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर। इसके साथ साथ मैं तीखा के लिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ जिसमें तीखापन नहीं होता है, 1 छोटी चम्मच। और 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी ऐड किया है। और सभी चीज़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। मैंने लगभग यहाँ पे आधी छोटी कटोरी धनिया की पत्ती को कट करके डाल दिया है। और इसके साथ हम इसमें जो हमने भिंडी को भून के रखा उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब मसालों के साथ में भिंडी को भूनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इसके साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप। इससे इसमें एक बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा, हल्का खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो टोमेटो केचप अगर आप डालना ना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं। और मसालों के साथ में हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे हम कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 2 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे और आप देख पा रहे हैं तेल बिल्कुल ऊपर सेपरेट हो गया सब्जी के ऊपर, यानी सब्जी बिल्कुल बन चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म हम इस मसाला भिंडी को सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और चटपटा हमारा ये भिंडी मसाला रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी ऐड डाल सकते हैं, बट मैंने इसे ड्राई ही रखा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा लगता है ये सब्जी। आप इसे थोड़ा सा क्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये भिंडी की सब्जी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।